पापा जी के पास जाने के बजाय अगर तुम माँ जी के पास जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राजनीति में कदम रखने के जो तुमने सपने देखे हैं ना, वो पापा जी नहीं माँ जी पूरे कर सकती हैं। अब आप एक बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हैं और इस कुर्सी की गरिमा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आचार्य जी कि आपने गृह मंत्री का पद देकर जो मुझ पर विश्वास जाहिर किया है, मैं आपके विश्वास को कभी खंडित नहीं होने दूंगा। वित्त मंत्रालय और निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हमें दी गई और हमने आज से ही हमारा काम शुरू कर दिया। अब तक जो भी प्रदेश में होता आया हो, पर अब हमारा प्रदेश विकास की तरक्की पे जाएगा। अरे भाई, ये मंत्री मंत्री मत कहिए, अब कहाँ का मंत्री और कहाँ का मुख्यमंत्री। जल्द ही आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस प्रदेश में आपसे ज्यादा काबिल तो कोई है ही नहीं। प्रदीप जी, मैं नहीं जानती कि इस ऑफिस के तौर तरीके पहले काम करने के कैसे थे, लेकिन अब ये सारे तौर तरीके बदल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, ऑफिस के स्टाफ के साथ मेरी मीटिंग करवाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझाना चाहती हूँ कि इस ऑफिस में अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी, सारे काम सही वक्त पर हो जाने चाहिए। जी मैडम, हम आज ही पूरे स्टाफ के साथ आपकी मीटिंग करवाते हैं। और हाँ, प्रदेश में जितने भी IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, सचिव हैं, बड़े लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबसे मेरी मीटिंग करवाइए, मैं उन सबसे मिलना चाहती हूँ। और आज ही मीटिंग रखवाइए, मैं उन सबकी बात सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। जी मैडम, हम भी आपसे यही कहने वाले थे कि सारे ऑफिसर्स से आपको मिलना मिलाना बहुत जरूरी है, इनसे उन सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, आप राकेश जी के ऑफिस में भी एक फैक्स करवा दीजिए। जी मैडम, गृह मंत्री है, उनका साथ रहना भी जरूरी है। जी मैडम, हम आपसे एक बात और कहना चाहते थे। हाँ बोलिए। हम आपसे ये कहना चाहते थे मैडम कि आपके आसपास आपके विश्वास पात्र लोग ही होने चाहिए, जो आपको जानते हो, आपको समझते हो, जो आपके एक इशारे पर आपके लिए पूरी वफादारी और ईमानदारी से काम करें। हाँ। और तकरीबन हर मंत्री इसीलिए अपने डिपार्टमेंट में फेरबदल करता है। आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम करने वालों में से पता नहीं कौन किसका वफादार हो। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, कहिए कैसे फोन किया? अच्छी, बस वैसे ही। आचार्य जी की बेटी है ना ज्योति? हाँ ज्योति, मैं मिली हूँ जी, उसी के बारे में बात करनी थी। वो आपको अपना आदर्श मानने लगी, आज सुबह TV पर देखा, आपकी स्पीच सुनी, बहुत तारीफ कर रही थी। दरअसल वो आपके आदर्शों को अपनाना चाहती है, आपके साथ रहकर काम करना चाहती है, बहुत डर रही थी आप उसे अपने ऑफिस में जगह देंगी या नहीं। ऐसी बातें कर रहे देवदत्त जी, हम तो यही चाहते हैं कि देश के नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, देश को उनकी जरूरत है, उनकी प्रतिनिधित्व की जरूरत है, और आप कहते हैं कि मैं उसे नहीं रखूंगी। दरअसल वो आपसे मिलने के लिए निकली, आप उससे मिल लीजिएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। क्या कह रहे थे देवव्रत जी? आचार्य जी की बेटी ज्योति, उसने भी राजनीति पढ़ी है, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ रहना चाहती है, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है जी। अरे ये पैर छूने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मुख्यमंत्री जी, दरअसल देवव्रत जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम मेरे साथ रहकर मेरी मदद करना चाहती है ना? नहीं, मैं आपके साथ रहकर सीखना चाहती हूँ। ईमानदारी की मशाल जो आपने जलाई है, मैं भी उस मशाल को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दिव्या, मेरे केबिन में आइए। May I come in, sir? आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। कौन है वो लोग?
सर कोई पुराना केस है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी या लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उन लोगों का कहना है कि आप इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर नए सिरे से पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दें। आखिर मामला क्या है? सर ये मामला विपक्ष के विधायक कुंवर मधुकर से जुड़ा हुआ है। ओह कुंवर मधुकर, ये तो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझता है ना? हाँ सर, 2 साल पहले एक मकान खाली कराने के लिए उन्होंने 5 लोगों को जिंदा जला दिया था जिसमें 2 लोग मारे भी गए और आज तक वो केस वैसे ही पड़ा है। और आज जो लोग आए हैं उनका कहना है कि उन्हें लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं। इस देश में कानून का राज है, किसी और का राज नहीं है। उनसे कह दो कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, आपराधिक गतिविधियों के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है, समझे? यस सर। सर मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके लिए एक फैक्स आया है। वो क्या है? कल मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सारे बड़े ऑफिसर से मीटिंग करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि कल आप भी इस मीटिंग में मौजूद रहें। अच्छा है, मैं उस मीटिंग में रहूंगा। और ये जो कुंवर मधुकर का मामला मेरे संज्ञान में आया है ना, उस मीटिंग में मैं इस मसले को भी उठाऊंगा। तुम जाकर उनसे कह दो कि मीटिंग का टाइम फिक्स करें, मैं आता हूँ। यस सर। और हाँ, वो जो लोग मिलने आए हैं उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके। जनता में एक नया विश्वास पैदा हुआ है कि शारदा देवी ने जिन बातों को लेकर सरकार पर उंगली उठाई थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हीं बातों को पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये भी घोषणा कर दिए कि नीरज शिक्षा योजना बहुत जल्द लागू कर दी जाएगी। ये योजना तो बहुत ही अच्छी है, इससे हमारे प्रदेश की लड़कियों को जरूर फायदा होगा। लेकिन ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से लागू नहीं की जा सकती। ठीक कह रही है आप। हम भी जानते हैं कि ये योजना लागू करने के लिए हमें बहुत सारा सर्वे करना पड़ेगा और इस सर्वे के लिए हमें बहुत बड़ा फंड का भी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हम इस प्रदेश के कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं इस बात का सर्वे करेंगे। और प्रदेश में कितनी कॉलेज है, कॉलेज गांव से कितनी दूर है, ये सब सर्वे करेंगे। ये बात तो है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जिस गांव के पास जो कॉलेज हो उस गांव की लड़कियां उसी में एडमिशन लें। ये सही कहे आप, हम भी ये प्लान कर रहे हैं कि इस प्रदेश की लड़कियों को सुरक्षा इस प्रकार दी जाए कि उनकी शिक्षा की पूरी जवाबदारी सरकार के हाथ में। सरकार की इस योजना के बारे में सभी को पता है, जो लड़कियां आज 6वीं या 7वीं में हैं, वो यही उम्मीद कर रही हैं कि सरकार की ओर से बस सेवा शुरू हो गई तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। हम इस योजना को लागू तो हर हाल में करेंगे, बस जल्द से जल्द ये सर्वे पूरा हो जाए। हा? और हाँ, कल प्रदेश के सारे ऑफिसर्स की मीटिंग रखी गई। हमारा पहला मकसद यही होना चाहिए कि नारी अपराध पर रोक लगाई जाए। आज का पूरा दिन भागदौड़ में लग गया। जी मैडम, सच तो ये है मैडम कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में आपने इतना काम किया है जितना कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हाँ प्रदीप जी, काम तो करना है लेकिन मेरी ताकत से नहीं, जनता की ताकत से। जनता का विश्वास मेरे लिए ताकत बनकर मेरे साथ चल रहा है। आपको पता नहीं प्रदीप जी, जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली उस वक्त मेरी दिमागी हालत क्या थी। मुझे बार बार राजवीर के पापा की याद आ रहा है। वो कहा करते थे, देखना शारदा, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस वक्त सारे प्रदेश में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। और वक्त ने क्या करवट ली,
मैं घर में रहने वाली मुख्यमंत्री बन गई और वो आज उनके पास कोई पद नहीं। आप इस तरह से सोच रही हैं मैडम क्योंकि आप एक महिला हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं इस बात का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। राजवीर के पापा का फोन है। हेलो, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुबारक हो शारदा, मुबारक हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुबारकबाद देने के लिए आप मुझे फोन करेंगे। क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कहा था शारदा, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। आपकी बात सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया, मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने की मैं काबिल हूं या नहीं, इसीलिए मैंने इस पद को स्वीकार किया। अगर आपने मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया होता कि मैं किसी भी काबिल नहीं हूं, तो शायद मैं इस पद को कभी ग्रहण नहीं करती। खैर, तुम खुश तो होगी कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया गया है। हाँ, खुशी तो है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। भाई, जब तुम्हें मेरी खुशियों की परवाह नहीं है तो फिर मेरे दुख की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस खुशी मनाओ कि जिस कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सका, आज तुम उस कुर्सी पर विराजमान हो। मैं भी इस बात से हैरान हूं कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसके पीछे भी वजह आप ही हैं। ईश्वर ने मेरे कस्मों की लाज रखी। मेरे ना चाहने के बावजूद ईश्वर ने वो कसम पूरी कर दी जो कसम कभी आपने मुझे दिलाई थी। याद कीजिए अपनी ही बात, जिस दिन आपकी गिरफ्तारी होनी थी उस दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, आप मेरे पास आए, दिए की अग्नि पर मेरा हाथ रखकर आपने मुझे कसम दिलवाई। याद है आपको? याद कीजिए ना। मैं जेल से कब लौटूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज तुम मुझे वचन दो, वचन दो कि तुम मेरे संकल्प को पूरा करोगी, कमजोर नहीं पड़ोगी। वचन दो मुझे कि तुम एक नया संगठन तैयार करोगी, एक नई पार्टी खड़ी करोगी और एक दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठोगी। वचन दो मुझे। मैं आपको वचन देती हूँ, आपके अधूरे काम पूरे करूंगी, एक नया संगठन खड़ा करूंगी, एक नई पार्टी बनाऊंगी। आपने वो कसम दिलाई थी जबकि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी। वो कसम दिलवाकर आप भी भूल गए और मैं भी भूल गई, लेकिन इस कसम को ईश्वर नहीं भूले, मुझे लाकर उस कुर्सी पर बिठा दिया और अनजाने में वो कसम भी पूरी हो गई। मैं कोई फैसला इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हम इस प्रदेश में चुनाव करवाना चाहते थे, और अगर मैं ये फैसला ले लेता कि मैं रागिनी को घर से निकालना चाहता हूँ तो इसका सीधा असर चुनाव पर होता। ये सबसे तो मेरा मन नहीं बहला सकते, लेकिन हाँ, मैं इस बात के लिए जरूर तैयार कि मैं आगे भी तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाती रहूंगी। जिंदगी भंवर है। मुख्यमंत्री का ताज जो तुमने पहना है ना शारदा, वो अक्सर कांटों का ताज साबित होता है,
ऐसे कांटों का ताज जो एक बार अगर तुमने पहन लिया तो फिर उसका उतारना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बात याद रखना। क्या कह रहे थे सर? प्रदीप जी, अफसोस होता है उनकी सोच पर। कोई और अगर मुख्यमंत्री बन जाता तो शायद इस बात को बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन मैं उनकी पत्नी, उनका घर संभालने वाली, उनके इशारों पर चलने वाली मैं मुख्यमंत्री बन गई, शायद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं ये सोचकर हैरान हूं, सोनाली के साथ साथ उस घर में अब रागिनी भी आ गई है। पता नहीं राजवीर उन दोनों के साथ कैसे रहता होगा और उनके साथ कैसा सलूक करता होगा। सोनाली प्लीज, तुम रो मत, तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना खतरनाक होगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा प्यार मुझे इस बोर्ड पर लाकर खड़ा कर देगा, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। और रही बात आंसुओं की, तो अब ये आंसू मेरे बस में नहीं, धड़क दिल में उठती और आंखों के आंसू बादल बनकर बरस जाते हैं। सोनाली प्लीज, सब्र से काम लो। अगर सब्र से काम लूंगी तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा राजवीर? मैं तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। तुम अपने प्यार की कीमत चुका पाओगे? अधिकार देने की बात करते थे ना, क्या तुम मुझे अधिकार दे पाओगे? नहीं, तुम मुझे कभी अधिकार नहीं दे सकते। रागिनी के होते हुए मुझे मुझे कभी मेरे अधिकार नहीं मिल सकते और ना ही मैं इन सबसे कुछ हासिल कर सकती। नहीं सोनाली, नहीं। शायद ये मेरी किसी गलती की सजा है कि मैं तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। चाहे तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, मेरे प्यार का शायद यही अंजाम होना था। नहीं सुना, मेरी मजबूरी को मेरी मर्जी मत समझो, और अभी मजबूरी भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। मैं कोई फैसला इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हम इस प्रदेश में चुनाव करवाना चाहते थे, और अगर मैं ये फैसला ले लेता कि मैं रागिनी को घर से निकालना चाहता हूं तो इसका सीधा असर चुनाव पर होता। रहने दो राजवीर, और पापा जी की राजनीति ये सबसे तुम मेरा मन नहीं बहला सकते और ना ही तुम मेरे प्यार की कीमत चुका सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इस बात के लिए जरूर तैयार हूं कि मैं आगे भी तुम्हारे प्यार की कीमत चुकाती रहूंगी।
नहीं सोनाली, रागिनी के बारे में मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पर तुम सोच रही हो कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर हम खुशियां मनाएं? नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया की नजर में उनका ओहदा बड़ा होगा, लेकिन हमारी नजर में उनका ओहदा घटा है। और अब तो और भी नफरत करते हैं मुझसे। बहू जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने मालकिन को फोन किया था कि नहीं? आज वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपको भी खुशी हुई होगी, उनको चुनाव जिताने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। हाँ शीला, हम हमेशा उनके अधिकार बढ़ाने की कोशिश करते रहे, और वो हमारे अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पाई। नहीं बहू जी, आप उन्हें ज्यादा ही दोषी मान रही हैं। वो इतनी बड़ी भी दोषी नहीं हैं। हमें सब कुछ पता है शीला। जिस वक्त राजवीर सोनाली को घर में लेकर आए थे, उस वक्त तो पापा जी जेल में थे। घर में तो सिर्फ माँ जी थी ना, फिर माँ जी ने कैसे स्वीकार कर लिया उन्हें? बहू जी, आप जो भी समझिए, मैं तो बस इतना समझती हूँ कि मालकिन आपको बहुत मानती हैं। आपको पता है बहू जी, जब आप हॉस्पिटल में थी ना, तो मालकिन आपको अक्सर देखने जाया करती थी। उससे क्या होता है शीला? अपनी राजनीति को बचाने के लिए माजी ने उससे भी समझौता किया, और उस बात के लिए हम माजी को कभी माफ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। पर तुम सोच रही हो कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर हम खुशियां मनाएं? नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया की नजर में उनका ओहदा बड़ा होगा, लेकिन हमारी नजर में उनका ओहदा घटा है। और अब तो और भी नफरत करते हैं मुझसे। तो क्या आप चाहते हैं कि हमें एक अलग टीम बनानी चाहिए? जी बिल्कुल माँ जी, और आपकी टीम में उन अधिकारियों को जगह दी जानी चाहिए जिनकी छवि अब तक साफ सुथरी है। तो ठीक है प्रदीप जी, आप लिस्ट बनाइए हमारे टीम में किस किस को रहना चाहिए जो वफादारी के साथ काम कर सके। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो घोषणाएं शारदा ने की हैं, वो इतनी जल्दी अमल नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हाँ सक्सेना, और यही हमारी कामयाबी होगी। शारदा के ऊपर चारों ओर से ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो अपनी योजनाएं लागू करें, फिर आएगा खेल का मजा।